गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा विषय है संवाद लेखन। शब्दकोश में संवाद शब्द के अनेक अर्थ दिए गए हैं, जिनमें प्रमुख हैं बातचीत, कथोपकथन, वाद विवाद करना आदि। संवाद की एक विशेष शैली होती है। इसमें एक के बाद दूसरे का नाम आता है, एक के बाद दूसरा अपनी बात कहता है और इसमें हर पात्र स्वतंत्र रूप से अपने मनोभावों को प्रकट कर सकता है। संवाद का सबसे अधिक प्रयोग हम नाटक, एकांकी, रूपक आदि में देखते हैं। संवाद का साधारण सा अर्थ है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत। बातचीत अर्थात संवाद के लिए वक्ता और श्रोता दोनों का होना आवश्यक है। इसमें किसी विचार या बात को स्वाभाविक रूप से व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार मौखिक वार्तालाप को लिपिबद्ध करना संवाद लेखन कहलाता है। संवाद की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं, जैसे इसमें संवाद छोटे, स्वाभाविक और रोचक होने चाहिए, जो पाठक या श्रोता का ध्यान अपनी ओर खींच सके। संवाद परस्पर संबंध होने चाहिए। संवाद की भाषा सरल, विषय और पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। संवाद में औपचारिकता तथा रूखापन नहीं होना चाहिए। बनावटी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भाषा की गरिमा को भी ध्यान में रखना चाहिए। संवाद लेखन में पात्रों के मनोभाव, विचार, मुद्रा आदि को कोष्ठक में लिखना चाहिए। संवाद लेखन में मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग भी कर सकते हैं। संवाद लेखन को हम इस उदाहरण के द्वारा और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस उदाहरण में दो मित्र समीर और अनुराग खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट के बारे में संवाद करते हैं। जैसे अनुराग कहता है, अरे समीर, तुम यहाँ? समीर जवाब देता है, मैं यहाँ इस स्टोर में कुछ सामान वापस करने आया हूँ। अनुराग, मतलब कोई खास चीज? समीर, अरे क्या बताऊँ, मैं यहाँ से दाल ले गया था और इस दाल में छोटे छोटे कंकड़ और बिल्कुल सफ़ेद रंग के पत्थरों की इतनी मिलावट है कि माँ और बहन कंकड़ पत्थर चुनते चुनते परेशान हो गई हैं। आखिर में तंग आकर उन्होंने कहा कि दाल के पैकेट को वापस करके आओ। अनुराग, तुम सही कहते हो समीर। समीर, अभी कुछ दिन पहले गोयल अंकल सरसों का तेल ले गए थे और उससे बने खाने से घर के सभी सदस्य बीमार पड़ गए। उन्होंने तो तेल की शिकायत पुलिस व खाद्य विभाग दोनों में कर दी। अनुराग, कल ही मैंने देखा कि बड़ी बड़ी कंपनियों के सामान में भी मिलावट पाई गई है और त्यौहार पर मिठाइयों में बहुत ज़्यादा मिलावट कर दी जाती है। इससे लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। समीर, सरकार को इस विषय में सख्त कानून, बनावट मिलावट करने वाले व्यापारियों पर कार्यवाही करनी चाहिए। अनुराग, बिल्कुल सही कहा आपने। इस प्रकार आज हमने देखा कि दो पात्रों के बीच होने वाले बातचीत को हम संवाद के रूप में कैसे लिख सकते हैं। धन्यवाद।